हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीए स्टडी में। दोस्तों, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बहुत सारे अपडेट्स आ रहे हैं आपके एग्जामिनेशन को लेकर के, कि आपके एग्जामिनेशन होंगे या नहीं होंगे। कभी इसमें गवर्नमेंट हस्तक्षेप करती है, कभी यूजीसी कुछ करती है, कभी आपकी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर कुछ शो होता है, फिर कुछ दिन बाद कुछ अलग नोटिफिकेशन आते हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इतने सारे मैसेजेज आ रहे हैं, नोटिफिकेशन आ रहे हैं। मतलब अगर आप मेरा व्हाट्सएप देखोगे, व्हाट्सएप होगा, इंस्टाग्राम पूरा भरा हुआ है कि मतलब सर क्या होने वाला है, क्या एग्जाम होंगे या नहीं होंगे। इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया है कि बच्चे बहुत सारे प्रॉब्लम्स लेकर के, बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं कि हम पढ़ें, कब से पढ़ना स्टार्ट करें। इससे पहले हमारे एग्जाम्स जून, मई जून में होने वाले थे, अभी अप्रैल से होने वाला है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के डेट हट गए हैं, कुछ ने अभी तक डेट्स नोटिफिकेशन ही नहीं दिया है कि एग्जाम्स कब से होने वाले हैं, क्योंकि मैक्सिमम यूनिवर्सिटी, कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, अब वो उसमें चेंजेस कर रहे हैं। तो उसमें बहुत सारा कन्फ्यूज़न है यार, गवर्नमेंट मतलब क्या समझ रही है, एग्जाम्स ही तो करवाना है आपको। अगर आप देखोगे रैलियों में, अभी चाहे बंगाल का हो रहा हो, इलेक्शन कोलकाता का ले लीजिए, तो उधर साइड इलेक्शन हो रहे हैं, हर पार्टी, जितनी भी वहाँ की पार्टियाँ हैं, सब रैलियाँ कर रही हैं, लाखों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में भीड़ आ रही है और उनको कोरोना नहीं हो रहा है। लेकिन बच्चे अगर बैठ करके एग्जाम्स देंगे, वो भी दो दो गज की दूरी तो बच्चों के बीच में होती है, इतनी दूरी होने के बावजूद मास्क लगा कर, सैनिटाइज करके वो लोग बैठेंगे तो उनको कोरोना हो जाएगा। लेकिन अगर रैलियों में जा रहे हैं, रैली में लोग आ रहे हैं विदाउट मास्क, इतनी ज़्यादा भीड़, ज़रा भी डिस्टेंसिंग नहीं, उनको कोरोना नहीं हो सकता। अगर आप बात करोगे युवाओं की, जो भी आपके ग्रेजुएशन के एग्जाम देने वाले हैं, उनकी एज 21 तक होगी, यानी कि वो यंग होंगे, उनकी इम्यूनिटी मजबूत होगी, उनको दूर दूर बैठना भी है, उनको उनके लिए सैनिटाइज भी करना है, मास्क भी लगाना है, फिर भी वो एग्जाम नहीं दे सकते, उनको कोरोना हो सकता है। लेकिन जो रैलियों में जा रहे हैं, उनको कोरोना नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो नेताजी को सपोर्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो ये थोड़े कुछ चीज़ें हैं यार, जिसमें मतलब अगर कहीं पर राजनीति हो रहा है, कहीं पर चुनाव हो रहा है, वहाँ पर कोरोना खत्म हो जाता है, वहाँ पर कोरोना का कोई डर नहीं रह जाता। और अगर एग्जाम्स हो रहे हैं, बच्चों के भविष्य की बात है, बच्चे पढ़ाई करते हैं साल साल भर, उनके एग्जाम्स टलते चले जा रहे हैं, तो बहुत सारा इस तरह के इशूज आ रहे हैं यार, बहुत सारे क्वेश्चंस। आई होप आप भी इससे एग्री करोगे कि आप अगर देख लो बंगाल के इलेक्शंस को उठा करके, हर दिन कैंपेन चल रहा है, हर दिन रैलियाँ हो रही हैं, लेकिन जब एग्जाम्स की बात आती है तो बच्चों को कोरोना हो जाएगा। अरे सब इम्यूनिटी बच्चों की मजबूत है, हमारा देश युवा है और ज़्यादातर लोग जो भी एग्जाम्स देंगे उनकी इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होगी, या मतलब इस तरह की व्यवस्था करवाई जा सकती है कि एग्जाम्स दिया जा सके। लेकिन फिर भी बच्चों को कन्फ्यूजन में डाला जा रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा है, पता नहीं एग्जाम होगा या लास्ट ईयर कितना प्रमोट कर दिया जाएगा। कुछ लोग बैठते हैं पता नहीं इस टाइम एग्जाम होगा कि आके होगा, अभी से हम पढ़ रहे हैं, या मतलब हो ही नहीं पा रहा है पढ़ाई कि इतने जल्दी एग्जाम्स आ गए, या फिर अभी बाद में होने वाले एग्जाम्स, पता नहीं है, सर्टेनिटी नहीं है, तो उस तरह का फ्लो नहीं बन पाता है बच्चों के बढ़ने का। तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आई होप आप एग्री करोगे, अगर एग्री करना तो ज़रूर कमेंट में लिख करके बताना। देखिए, मैं इसमें कुछ भी नहीं ऐसा बोल रहा हूँ कि मतलब कि किसी पार्टी को ये नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप रैलियाँ निकाल सकते हो इलेक्शंस के लिए, तो एग्जाम क्या नहीं करवाए जा सकते? एग्जाम्स के लिए तो पूरे रूल हैं। देखिए, अगर आप बात करोगे यूपी की, तो कुछ लखनऊ के प्रोफेसर्स थे जिनको कोरोना हुआ है, 7-8 को किसी को, तो इस तरह से तो और भी सारी जगह हैं जहाँ पर हो रहे हैं। तो उसके लिए क्या आप एग्जाम्स को चेंज करते रहेंगे, या कुछ जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है उनको में चेंजेस के चांसेस हैं, कुछ में ऑलरेडी चेंजेस आ चुके हैं, और जिन्होंने नोटिफिकेशन नहीं जारी किया है वो सोच रहे हैं अच्छा कि हमने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, और जो कर दिया वो चेंज करने के लिए अलग अलग तरह से नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं। तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अगर आप एग्री करें तो ज़रूर कमेंट करना। और जितनी भी देखिए, बहुत सारी वीडियोस तो मैं इस पर बनाता नहीं हूँ कि हाँ नोटिफिकेशंस आया है, अगर इस पर बनाने चले लगे तो डेली 2-4 वीडियो आ ही जाएगी, तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं उसी पर डिस्कस करना रहता है। तो यही थी आज की वीडियो में कि मतलब इस तरह से क्यों किया जा रहा है। तो आप लोग ज़रूर इसमें अपना भी राय रखिएगा, अपनी भी विजन रखिएगा कि क्या आप सोचते हैं, इसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इस तरह से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहा है बच्चों के साथ। क्योंकि कोई भी चीज़ जब तक क्लैरिटी नहीं होगी वो चीज़ें डिफाइन नहीं हो पाएंगी, उतना फोकस नहीं हो पाएगा किसी चीज़ पे। तो क्लियरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और गवर्नमेंट या यूनिवर्सिटीज़ उस तरह की क्लियरिटी प्रोवाइड नहीं करवा पा रही। बच्चों के पास नोटिफिकेशन आ जाते हैं, वेबसाइट पर शो भी हो जाता है, फिर भी उनको डाउट रहता है कि ये चेंज हो सकता है। अभी आप अगर देखोगे DDU ने जारी ही नहीं किया है, SU ने, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी ने जारी कर दिया है 10 तारीख से, बट उसमें भी बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। CCSU ने जारी किया था कुछ डेट्स, उसमें 5-6 एग्जाम्स के डेट इलेक्शंस के डेट से मैच हो गए, तो इलेक्शन की वजह से उसको टाल दिया गया। तो इस तरह से अलग अलग टाइम पर अलग अलग चीज़ें, अपडेट्स आती रहती हैं, जिससे कि बहुत सारे कन्फ्यूज़न लोगों के माइंड में आते रहते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर आप एक जिम्मेदार यूनिवर्सिटी हैं तो आपको नोटिफिकेशन जारी करना है, तो उस पर टिके रहना है, या उसके लिए व्यवस्था करवाई जा सकती है। एग्जाम्स
तो आप सेंटर पे जितने लोग बैठते हैं काफ़ी दूरी होती है दो लोगों के बीच में, अगर मास्क लगा कर सैनिटाइज करके वो लोग बैठते हैं तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। और अगर इम्यूनिटी सिस्टम की बात किया जाए तो उनसे बढ़िया जो अगर आप रैलियों में बात करेंगे तो वहाँ तो कोई भी आ जाता है कितने भी ईयर्स के बिना मास्क लगाए इतने सारी भीड़ में, तो अगर वहाँ कोरोना नहीं हो सकता तो एग्जाम्स में नहीं हो सकता है। तो बच्चों के साथ मतलब एक खेल खेला जा रहा है, उनके एजुकेशन को मतलब इस तरह से अगर आप प्रमोट कर देंगे तो उसमें पता क्या चलेगा कि कौन किसने एफर्ट लगा करके पढ़ाई किया या किसी ने ऐसे ही कर लिया है। तो इसमें एक आप औसत की बात कर लोगे कि औसत की तरह आ जाएंगे और फिर आप कहोगे कि उसमें आपको छाँटना है, उसको अलग करना है, तो कैसे आप डिफाइन कर पाओगे कि कौन बच्चा योग्य है और किसमें योग्यता नहीं है, जस्ट एक एवरेज एक बेसिक मार्क की वजह से वो पास हो गया है। तो ये सारी चीज़ें एक विज़न के रूप में गवर्नमेंट को क्लियरिटी होनी चाहिए और यूनिवर्सिटीज को इस पर बात करनी चाहिए गवर्नमेंट से। एग्जाम्स हम हेल्ड करवा सकते हैं, अगर कुछ को हो गया है मान लिया, उनको तो वैसे भी हो सकता था बहुत सारे लोगों को, तो इस तरह की ये सब चीज़ों पर गवर्नमेंट को या UGC को या जो भी एग्जाम्स को हेल्ड करवा रहे हैं उनको इस बात पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अगर आप मेरे बातों से सहमत हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि इस पर और भी बात की जा सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।